तो आज राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री बघेल। दोपहर 1:44 पर राजनांदगांव पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 1:45 पर दिग्विजय महाविद्यालय जाएंगे सीएम। इसके अलावा दिग्विजय महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में शिरकत करेंगे। दोपहर 2:45 पर बूढ़ा सागर शिवाजी पार्क जाएंगे सीएम। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम जाएंगे सीएम, जहां पर अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। फाइनल मैच में विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। तो राजनांदगांव दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां पर तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, फाइनल मैच में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और चूंकि हॉकी स्टेडियम में हॉकी का मैच होने जा रहा है, जिसमें जो भी टीम विजेता रहेगी उसको पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो राजनांदगांव दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहने वाला है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री करेंगे। बूढ़ा सागर शिवाजी पार्क जाएंगे मुख्यमंत्री दोपहर 2:45 पर। इसके अलावा महाविद्यालय दिग्विजय महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में शिरकत भी करेंगे। तो महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दोपहर 1:45 का समय रखा गया है उनका वहां पर पहुंचने का। तो दोपहर 1:45 पर दिग्विजय महाविद्यालय जाएंगे सीएम बघेल। दिग्विजय महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में करेंगे शिरकत। दोपहर 2:45 पर बूढ़ा सागर शिवाजी पार्क जाएंगे सीएम। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, राजनांदगांव दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तैयारियां क्या क्या हो गई हैं? जी, मैं आपको बता दूं, राजनांदगांव में आज भूपेश बघेल जी विजिट करेंगे। राजनांदगांव में दोपहर के जब पहुंचेंगे तो वो सबसे पहले दिग्विजय कॉलेज जाएंगे, जहां वार्षिक विश्व और पदक वितरण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद बूढ़ा सागर जाएंगे, जहाँ पर शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ठीक उसके बाद में 29वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति हॉकी स्पर्धा जाएंगे, जहाँ पर फाइनल मैच का पदक पुरस्कार वितरण में सम्मिलित होंगे। मैं आपको बता दूं, तीनों ही जो एक मतलब कार्यक्रम है, तीनों ही कार्यक्रम कहीं ना कहीं राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ के मतलब राज्य से कनेक्टिविटी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राजनांदगांव को राजनांदगांव दिग्विजय स्टेडियम, बूढ़ा सागर और हॉकी, तीनों ही का कनेक्टिविटी इसलिए पूरे राजनांदगांव को पूरे दान के रूप में राजा ने दिया था, और उसी के तहत पूरा आज ये कार्यक्रम भी हुआ जा रहा है। क्योंकि दिग्विजय महाविद्यालय कॉलेज में स्थापित है, बूढ़ा सागर ठीक दिग्विजय कॉलेज से लगा हुआ है, और महंत राजा सर्वेश्वर दास जो दिग्विजय दास के ही क्या बोलते हैं पूर्वज रहे हैं, उन्हीं के परिवार से रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल क्या है कि राजनांदगांव की या प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं राजनांदगांव से कनेक्टिविटी होती है। क्योंकि कोई भी ऐसा नेता नहीं चाहता कि राजनांदगांव में इन तीनों चीज को छोड़े, क्योंकि राजनांदगांव की राजनीति जो प्रदेश में दखल रखती है। क्योंकि कल ही सेमीफाइनल में डॉक्टर रमन सिंह आए थे और आज भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, और तीनों ही चीज राजा और बूढ़ा सागर में शिवाजी पार्क और ठीक दिग्विजय कॉलेज में वार्षिक विश्व, मतलब मैं पहले यानी कि तमाम कार्यक्रम आज के रहेंगे जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका।